नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्काईटेक न्यूज में। दोस्तों, आज के इस लर्निंग वीडियो के माध्यम से हम ट्रेडिंग व्यू डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर एक से ज्यादा मल्टीपल इंडिकेटर्स कैसे प्लॉट करें इसके बारे में जानने वाले। दोस्तों, बेसिक सी प्रॉब्लम आती है जो फ्री वाला वर्जन है। बेसिक प्लान के अंदर हमें मैक्सिमम टू इंडिकेटर्स प्लॉट करने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे एक इंडिकेटर के माध्यम से यहाँ पे लगभग पांच यहाँ पे मूविंग एवरेज, तीन मूविंग एवरेज, पिवट पॉइंट और सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, लगभग पांच इंडिकेटर इस चार्ट पे प्लॉट करे। दोस्तों, ये कैसे किया है, कौन सा इंडिकेटर है, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी हम लेने वाले। कमाल की वीडियो ये आपके लिए होने वाली है, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें। तो जैसे दोस्तों, हम आप जानते हैं इंडिकेटर के अंदर हम जाएंगे और कोई भी इंडिकेटर दो से ज्यादा सिलेक्ट करने को जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें ये विंडो शो हो जाती है। आप बेसिक प्लान के अंदर दो से ज्यादा इंडिकेटर यहाँ पे प्लॉट नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे प्रीमियम वर्जन लेना पड़ता है या आपको यहाँ पे पेड करना होता है, अपग्रेड करना होता है, तो ही आप इन इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने कैसे किया, कौन सा इंडिकेटर यहाँ पे यूज करना है, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर जो सेटिंग्स है वो सेटिंग्स ही सबसे मैंने इंडिकेटर का नाम जान के आप उसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी सेटिंग्स करने के बाद ही आप इसे आसानी से यूज कर पाएंगे। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें। तो सिंपली दोस्तों, मैं यहाँ से इन सब चीजों को हटा देता हूँ, यहाँ से इंडिकेटर को हटा दूंगा, ये वाले इंडिकेटर को भी हटा दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल चार्ट जो है यहाँ पे प्लेन हो चुका है, कोई भी इंडिकेटर हमारे सामने यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले फिर से हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे DIY, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, आप यहाँ से अनटिक कर देंगे, फेवरेट से निकाल देंगे, यहाँ से क्लिक कर दीजिए DIY कस्टम स्ट्रेटेजी बिल्डर। इसे जैसे क्लिक करते हैं, जैसे आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे यहाँ पे इंडिकेटर्स प्लॉट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ पे कुछ बॉक्सेस, यहाँ पे शॉर्ट पोजिशन के लिए, लॉन्ग पोजिशन के लिए और बहुत सारे जो अलग अलग कलरफुल कैंडल्स बॉक्सेस यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। इन सब चीजों को दोस्तों हमें हटाना है, इस इंडिकेटर की सेटिंग करना है। तो सबसे मेन दोस्तों, इस सेटिंग्स को आप ध्यान से देखिए, बस सिंपल वैसे आप लगा तो नोट कर लीजिए इसे कैसे चेंज करना है। तो आइए सेटिंग हम इसकी चेंज करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटिंग्स में चले जाना है। जैसे सेटिंग पे जाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टाइल के अंदर जाएंगे, स्टाइल वाले टैब को सिलेक्ट कर लेना है। ऐप को सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे की साइड में यहाँ पे आ जाना है। आप यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे सबसे पहले टेबल और बॉक्सेस इसे अनचेक कर लेना है। जैसे इसे अनचेक करते हैं, यहाँ पे थोड़ा ऊपर आएंगे, सॉरी यहाँ पे वैल्यू इन स्टेटस लाइन, ये नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला ऑप्शन है इसे अनचेक कर देना है। और यहाँ से ऊपर अगर जाते हैं हम, अब देखिए यहाँ पे ये बार कलर इसे हटा देना है, प्लॉट कैंडल हटा देना है, हेलो कैंडल्स हटा देना है, बार कलर फिर से, ये चार ऑप्शन यहाँ से हमने हटा दिए। जैसे इसे ओके कर देंगे, आप देख सकते हैं अभी चार्ट बहुत सारा क्लियर हुआ है, अभी सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग के सिग्नल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, इन्हें भी हम हटाएंगे। तो इसकी नेक्स्ट वाली जो सेकंड स्टेप है, इसे भी आप वॉच करिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो इस वीडियो को बार बार देखिए दोस्तों, बहुत कमाल की वीडियो है। आपको सब इंडिकेटर एक ही जगह पे मिल जाएंगे, एक ही इंडिकेटर के अंदर आपका ट्रेडिंग व्यू मल्टीपल इंडिकेटर का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा, आप दो से ज्यादा इंडिकेटर यहाँ पे प्लॉट कर पाएंगे। तो आइए सेकेंड स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। तो फिर से हम सेटिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ पे सेटिंग सिलेक्ट कर देते हैं। अभी जो है हमें इनपुट सेक्शन के अंदर जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट के अंदर हम आ गए, इनपुट सेक्शन के अंदर आके हम सबसे नीचे की साइड में आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्टरनेट सिग्नल्स शो, लॉन्ग सिग्नल, शॉर्ट सिग्नल्स, इसे भी हटा सकते हैं चाहे तो आप रख सकते हैं दोस्तों। ये शो डैशबोर्ड, ये तीनों को हमने हटा दिया है। और जैसे हम नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पे नीचे की साइड में ये जो रैशनल आर क्यू के जो है, ये कर्नल, इसे हटा देना है, रैशनल वाले को इसे अनचेक कर देंगे। और नीचे की साइड में आएंगे, और जैसे नीचे की साइड में आते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आप ये वाला जो है सप्लाई एंड डिमांड जोन, इसे अनचेक कर देंगे।
ये PVSRA जो है इसे भी अनचेक कर देंगे, और मार्केट सेशन जो है इसे भी हम अनचेक कर देंगे। तो जैसे हम अनचेक करते हैं दोस्तों, इसे आपको ओके कर देना है। जैसे ओके करते हैं आप देख सकते हैं चार्ट का जितना भी नॉइस था सब चीजें यहाँ से हट गई है, बिल्कुल क्लियर चार्ट हमारे सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आज की डेट 2 जनवरी 2024, ये नया साल है दोस्तों, आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों थर्ड स्टेप जो करना है उसे भी आप केयरफुली वॉच कीजिए। थर्ड स्टेप में हमें फिर से इंडिकेटर के सेटिंग वाले ऑप्शंस में चले जाना है। यहाँ पे इनपुट में ही हमें यहाँ पे विजिबिलिटी में कोई चेंज नहीं करना है, इनपुट के अंदर ही जो भी चीजें हैं हमें यहाँ पे करनी, नीचे के साइड में आ जाएंगे। आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे अभी इंडिकेटर्स प्लॉट करने हैं। सबसे मेन जो है दोस्तों, हमने ये इंडिकेटर की जो स्ट्रेटेजी आपके पास लाए, तो हमें यहाँ पे मल्टीपल इंडिकेटर्स अभी प्लॉट करने हैं। तो सबसे पहले हम EMA से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाना चाहते हैं EMA, तो यहाँ से हम नीचे की साइड में देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जो स्विच बोर्ड यहाँ पे टर्न ऑफ इंडिकेटर, यहाँ पे अगर आप इसे अनचेक कर देंगे तो यह हट जाएगा, और यहाँ से चेक कर देंगे तो आप यहाँ से इंडिकेटर लगा सकते हैं। अभी देख सकते हैं कितने EMA लगी है, 1, 2, 3, 4 EMA यहाँ पे हमारे चार्ट पे लगी है। तो हम यहाँ पे इसे चेंज भी कर सकते हैं, आप चाहे इसे 9 पीरियड की EMA कर सकते हैं, सेकेंड वाले को आप रखना चाहे तो रख सकते हैं, इसे हटा देंगे। 20, 50, 200, हमें ये 20 EMA चाहिए। इसके कलर्स हम चेंज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं हर एक का अलग आप कलर रखेंगे तो आपको देखने में आसानी होगी। इसका कलर हम हटा के कुछ अलग कर देते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, इसका कलर रहने देते हैं। और जो 200 EMA का, इसका हम रेड कर देते हैं, और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और इसे ओके कर देते हैं। तो आप देख पाएंगे रेड वाली जो 200 EMA है, और ये सब EMAs हमारे चार्ट पे अभी प्लॉट हो चुकी है। अगर फ्री वाला वर्जन में हम 2 ही EMA लगाते थे, थर्ड लगाने को जाते थे, तो वहाँ पे वो विंडो ओपन हो जाती थी, हम यहाँ पे इजीली लगा सकते हैं। लेकिन वो वाले तरीके से हम ये चार इंडिकेटर प्लॉट नहीं कर सकते थे। तो और कुछ इंडिकेटर हम ऐड करेंगे यहाँ पे, तो फिर से सेटिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे, फिर नीचे की साइड में आएंगे स्विच इंडिकेटर ऑन ऑफ के अंदर। आप चाहे यहाँ से अब देख सकते हैं यहाँ पे सप्लाई डिमांड जोन, पैराबोलिक सार, इचिमोकू क्लाउड, यहाँ पे सबसे मेन जो है ज्यादा यूज होता है सुपर ट्रेंड, हम इसे सिलेक्ट कर देते हैं। देखते हैं चार्ट पे सुपर ट्रेंड लगा है कि नहीं। ये देखिए ये जो रेड वाली लाइन जो है नीचे के साइड में आई, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर यहाँ पे प्लॉट हो चुका है। इसकी सेटिंग में जाएंगे, आप नीचे की साइड में अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको सुपर ट्रेंड देखने को मिलेगा। आप थोड़ा नीचे आ जाएंगे, ये देखिए आपको ये यहाँ पे सुपर ट्रेंड दिखाई दे रहा है। इसकी सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, आप चाहे इसे 10 पीरियड का है तो इसे 21 पीरियड का कर सकते हैं, और जो भी आप सेटिंग चेंज करना चाहे। यहाँ से मैं 0.8 का मल्टीप्लायर यहाँ से कर देता हूँ, इसे ओके कर देता हूँ, तो इसकी सेटिंग बिल्कुल अभी चेंज हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से यहाँ पे मल्टीपल इंडिकेटर्स लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। फिर से सेटिंग में जाएंगे हम, कोई और एक इंडिकेटर यहाँ पे ऐड करके देखेंगे। अभी तो लगभग दोस्तों 5 इंडिकेटर हमने लगा दिए हैं। हम अभी यहाँ से पिवट पॉइंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है पिवट पॉइंट, आपको यहाँ पे VWAP भी मिल जाएगा, बोलिंगर बैंड मिल जाएगा। हम यहाँ पे पिवट पॉइंट को अगर सिलेक्ट कर देते हैं और इसे ओके कर देते हैं, तो देखते हैं पिवट पॉइंट, ये देखिए पिवट पॉइंट, ये जो येल्लो लाइन से यहाँ पे हमारे चार्ट पे प्लॉट हो गया है पिवट पॉइंट। आप चाहे आप इसके सेटिंग में जाके लाइंस कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो कलर लाइन है, थिकनेस वगैरह, हर एक चीज यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, हमने यहाँ पे पिवट पॉइंट, चार मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, और कुछ लगाना चाहे आप बॉलिंगर बैंड अगर यूज करना चाहे उसे भी लगा सकते हैं। नीचे के साइड में जाएंगे हम, देखेंगे लगता है कि नहीं बॉलिंगर बैंड, इसे सिलेक्ट कर देंगे और इसे ओके कर देंगे। जैसे ओके करते हैं देखते हैं हमारे चार्ट पे, आप देखिए यहाँ पे बॉलिंगर बैंड भी यहाँ पे इंडिकेटर प्लॉट हो चुका है। लगभग 6 इंडिकेटर हमने अब तक चार्ट पे लगा लिए दोस्तों। तो इस तरह से आप आसानी से जो चाहे अपनी मर्जी का इंडिकेटर सिलेक्ट करके यहाँ से प्लॉट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे फिर से सेटिंग में जाना है, आपको जो जो इंडिकेटर रखना है वहां पे सेट कर लेना है,
और फिर आखिरी जो ये सेटिंग बता रहा हूँ इसे आप देख लीजिए, यहाँ पे सेटिंग्स में चले जाना है, सबसे नीचे हम चले आएंगे, इसे पकड़ लेना है, और नीचे यहाँ से आने के बाद देख सकते हैं आप डिफॉल्ट जो दिख रहा है आपको, सेव एज डिफॉल्ट, इसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसे सेव एज डिफॉल्ट सेट करेंगे, इसे ओके कर देंगे, तो ये जो सेटिंग्स है दोस्तों अभी जो हुई है ये बिल्कुल आपके लिए परमानेंट यहाँ पे सेव हो जाएगी इस इंडिकेटर के अंदर। तो फिर जैसे ही आप इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, फिर से इसे सिलेक्ट करेंगे, डी आई वाई कस्टम स्ट्रेटेजी बिल्डर, आपको करना क्या है, इसे फेवरेट कर लेना है, ऐड टू फेवरेट कर लेना है। जैसे ही फेवरेट कर लेंगे, और आप देख सकते हैं इसे हम हटा देंगे, अभी यहाँ से हटा देता हूँ मैं, और फिर से इंडिकेटर में जाता हूँ, आप देख सकेंगे यहाँ पे आया होगा डी आई वाई, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे आप देखेंगे एज इट इज सेटिंग हमारी यहाँ पे आ चुकी है, एज इट इज इंडिकेटर हमारे चार्ट पे यहाँ पे प्लॉट हो चुके हैं। आपको फिर वो सेटिंग करने की जरूरत नहीं जो हमने वीडियो में पहले देखी। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।